दोस्तों, आप अगर एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें नाम हो, पैसा हो, मस्ती हो, तो रेडियो जॉकी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे आरजे हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे नावेद, बउआ, मलिश्का एट्सेट्रा, जो रेडियो के साथ साथ टीवी पे भी अपनी काम का लोहा मनवा रहे हैं। नेम और फेम के साथ साथ बहुत अच्छी सैलरी भी उठा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको इस करियर से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियां दी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो अगर आपको लोगों से बातें करना और उनकी दिलचस्प बातें सुनना पसंद है, तो रेडियो जॉकी बनकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज रेडियो जॉकी का कार्यक्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है। जहाँ एक रेडियो जॉकी पूरे प्रोग्राम की तैयारी करता है, वहीं अपनी आवाज़ का लोहा भी मनवाता है। FM चैनलों के आने पर जिस तरह से इनमें करियर की संभावनाएं बढ़ी हैं, इसके चलते युवाओं को यह फील्ड काफी भा रहा। जाने कैसे बन सकते हैं रेडियो जॉकी। FM के तीसरे चरण की ज्यादातर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और जल्द ही हमें पूरे देश में करीब 400 नए FM रेडियो सुनने को मिलेंगे। जितने ज्यादा रेडियो स्टेशन, उतने ज्यादा रोजगार के मौके। रेडियो जॉकी का काम क्या होता है? एक रेडियो जॉकी का काम सिर्फ रेडियो शो करना ही नहीं होता, बल्कि उनके कार्यक्षेत्र में म्यूजियम प्रोग्रामिंग, स्टोरी राइटिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग करने से लेकर ऑडियो मैगजीन और डॉक्यूमेंट्री भी पेश करने होते हैं। वहीं आपको बता दें, एक रेडियो जॉकी की जॉब 9 से 5 की रेगुलर जॉब नहीं है। रेडियो में आपको दिन या रात कभी भी शो होस्ट करना होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक रेडियो जॉकी को एक पत्रकार की भूमिका भी निभाते हैं। वह देश विदेश में होने वाली गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसे अपने शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि वह अपने शो को और भी बेहतर और इन्फॉर्मेटिव बना सके। इसी के साथ साथ आरजे अपने शो से पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको शो के दौरान आपको बातों के साथ खेलना आना चाहिए। आरजे में क्या गुण होने चाहिए? अच्छी आवाज। खराब आवाज जैसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि आपकी आवाज रेडियो प्रसारण के अनुरूप ना हो, पर अच्छी ट्रेनिंग लेकर आप उसे उस स्तर का बना सकते हैं। रेडियो में आवाज, उच्चारण और स्पष्टता का एक ऐसा मानक है जिस पर आपको खरा उतरना ही होता है। राइटिंग और प्रेजेंटिंग स्किल। अच्छा आज अपनी स्क्रिप्ट भी खुद लिखता है, इसलिए आपके प्रोग्राम या शो को दिलचस्प बनाने के लिए दिलचस्प अंदाज के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए, और लिखने के बाद उसे उतने ही शानदार अंदाज के साथ प्रस्तुत करना भी आना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर। बोरिंग एंकरिंग या होस्टिंग कौन पसंद करता है? लिहाजा अच्छे आरजे में सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपने प्रोग्राम को मजेदार बना सके। बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स। आरजे को आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी से बातचीत करनी होती है, लिहाजा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए। क्रिएटिविटी का होना। बिना क्रिएटिविटी के आपका रेडियो जॉकी बन पाना मुश्किल है। एक रेडियो जॉकी का क्रिएटिविटी होना जरूरी है। वाक्पटुता। रेडियो जॉकी बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी खास रेडियो जॉकी को कॉपी करें। आप खुद का कौशल दिखा सकते हैं, या निर्भर करता है आपके स्टाइल पर। आरजे का काम बोलना होता है, तो बोलने में कंजूसी करना आरजे की फितरत नहीं होती। आ जाते हैं क्वालिफिकेशंस पे। रेडियो जॉकी का कोर्स 12वीं के बाद भी किया जा सकता है, जिसके बाद आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आज देश के हर राज्य में ऐसे बहुत से संस्थान हैं जो रेडियो जॉकी बनने के लिए प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। रेडियो जॉकी के कोर्सेज। डिप्लोमा इन रेडियो प्रोग्रामिंग व ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन व रेडियो जॉकी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो। सैलरी पे आ जाते हैं, तो कितनी सैलरी होती है? इस फील्ड में पैसा आपकी योग्यता और मांग पर निर्भर है। आप चाहे तो आकाशवाणी से कैजुअल उद्घोषक या प्रेजेंटर के तौर पर करियर की शुरुआत कर सकते हैं, जहां आपको करीब 8 से 10 हज़ार रुपये महीना मिलता है, और आपका शौक भी पूरा हो जाता है। इसके बाद चाहे तो किसी FM रेडियो में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी प्राइवेट FM में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें, तो यकीन मानिए आप 5 से 6 लाख रुपये महीने तक का वेतन भी पा सकते हैं। आपको प्रसिद्धि मिलती है सोल। तो दोस्तों, ये तो था रेडियो जॉकी का करियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।